प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय पूर्वांचल का सतत विकास मुद्दे रणनीति एवं भावी दिशा विषय पर आयोजित मेगा राष्ट्रीय वेबिनार के शनिवार को समापन समारोह को मुरादाबाद से वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र विषमता हमेशा प्रगति में बाधक होती है। प्रदेश के विकास के लिए 4 आर्थिक जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में बांटकर 2 विकास बोर्डों पूर्वांचल व बुंदेलखंड का गठन किया ताकि आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए सभी संस्थानों व विभागों को एक साथ जुड़कर कार्य करना होगा। वेबिनार में विद्वानों को जो सुझाव आए हैं उन पर मिलकर मंथन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल के सतत विकास पर 3 दिवसीय मंथन में निकले निष्कर्ष पर नीति बनाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति बनाई जाएगी। यह समिति इस वेबिनार व संगोष्ठी में आए सुझावों व अनुशंसाओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। आने वाले समय में पूर्वांचल में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उन्नयन भी दिखेगा। उन्होंने पूर्वांचल के समग्र व सतत विकास के लिए नियोजन विभाग और पूर्वांचल विकास बोर्ड को इस दिशा में हर संस्था से जोड़ने को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस के चलते 50,000 से अधिक मौतें हुई। राज्य के 38 जिले इससे प्रभावित थे। 2017 में सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाकर अन्य कई विभागों को इसमें शामिल किया। सबके प्रयास से 3 साल में इस पर काबू पाया गया। इस पर कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया गया। इस रणनीति को कोरोना के रोकथाम में भी इस्तेमाल किया गया जिसकी सराहना WHO ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भगवान बुद्ध के अपदीपो भव मंत्र का सही पालन नहीं कर पाए। प्रकृति की कृपा कहीं अधिक है तो कहीं कम, लेकिन पूर्वांचल भाग्यशाली है जो प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। प्रथम मानव की सृष्टि पूर्वांचल में हुई। सभ्यता की सबसे प्राचीन भूमि होने के बाद भी हम सबसे पिछड़े रहे, अपने को गरीब समझते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को दौरा किया है, मुझे कहीं भी जल की कमी नजर नहीं आई। मानव सभ्यता के जो कारक थे वहाँ यहाँ सबसे अधिक मात्रा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों तक पूर्वांचल के विकास के लिए जो मंथन चलने वाला है उसमें समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से करना होगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि अनुसंधान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ाकर उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जा सके। उपज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी लाकर व्यापक संभावनाएं तैयार की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विस सेक्टर में यहां अपार संभावनाएं हैं। 6 बौद्ध पर्यटन स्थलों में 5 पूर्वी क्षेत्र में हैं। हमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे होटलों की चयन बनानी होगी, टूरिस्ट गाइड तैयार करने होंगे, आवागमन के लिए सुविधा को बढ़ाना होगा। कुशीनगर व अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनेगा। यह वहां के विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगा। पूर्वांचल के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं की जानकारी युवाओं को नहीं हो पा रही है। युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ODOP योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना आदि की जानकारी नहीं है। इन योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों को उठानी होगी। साथ ही संस्थानों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा नई शिक्षा नीति पूरे देश में व्यापक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है। सभी शैक्षणिक संस्थान एक कमेटी का गठन करें और इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करें। शासन की योजनाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसे युवाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी कार्य योजना भी तैयार करनी होगी। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली पर दियो से लेकर लक्ष्मी गणेश तक की मूर्तियों के लिए पहले हम चीन पर निर्भर थे, जबकि यूपी में सभी संसाधन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर निर्भरता को खत्म किया। इससे दिवाली पर हर घर में मिट्टी के दिए जले, स्थानीय कारीगरों की बनाई गई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की पूजा हुई। इससे स्थानीय कारीगरों की आत्मनिर्भरता और कारोबार को बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के विकास की पहल गोरखपुर विश्वविद्यालय ने की है। विकास के लिए सभी संस्थानों और विभागों को एक साथ जुड़ना होगा, तब इसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक सोच की वजह से पूर्वांचल में गरीबी व पिछड़ापन देखने को मिला है। विकास में बाधक लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकालना होगा। सकारात्मक सोच के साथ ही
पूर्वांचल के विकास के साथ जुड़ना होगा। कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े विशिष्ट अतिथि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सतत विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वेबिनार में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, बड़े पैमाने पर किसान इसको इसकी खेती कर रहा तो राइटी जा देखिए ये जो है इंप्रूव हवा इसकी चर्चा की गई, ये दोनों साथ साथ पक रही हैं, तो बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन भी इसकी नहीं है। कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो पहले हम उसमें शुरुआत कर सकते हैं? और दूसरा, जमीनी स्तर पे काम होना बहुत जरूरी है। जितनी भी स्ट्रैटेजी है चाहे पूरे पूर्वांचल में ना हो, लेकिन इसके इनके पायलट्स जब भी सरकार भी इच्छा करेगी, यूनिवर्सिटी और जो भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हम चाहते हैं कि वो हो, उसको पहले पायलट रूप में अगर करते हैं और चाहे एक दो साल के बाद उसको भव्य रूप और बड़ा स्वरूप देते हैं, फिर भी विकास संभव है। लेकिन इसको लोकल पॉपुलेशन, फार्मर, FPO, पंचायत, स्थानीय संस्थाएं, इनको साथ लेकर अगर हम ये काम करेंगे और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनके दिशा निर्देश से मार्गदर्शन पर चले तो ये बहुत अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। भविष्य में यहां शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे तमाम के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। भविष्य में यहां शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थाओं की संभावना मैं देख रहा हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सतत विकास में आज एक और नया अध्याय रच
राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योगपति, इंजीनियर सहित उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारी अपने सुझाव और शोध पत्र रखेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, सामाजिक एवं जल के क्षेत्र में अगले 50 वर्षों का रोड मैप तैयार करने के लिए इस संगोष्ठी को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा बैंकर्स मीट और पूर्वांचल के विकास को लेकर विशेष परिचर्चा सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये शॉर्ट फिल्म आपने देखी। हम अब औपचारिक रूप से अपने समापन सत्र का प्रारंभ करना चाहते हैं। मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध कि वे दीप प्रज्वलन करके परंपरागत रूप से इस सत्र का शुभारंभ करें। शुभता, संपूर्णता, अग्नि का आराधन, दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के पश्चात ललित कला से अनुरोध के लिए उनका भी अभिनंदन।
अतिथि सत्कार मान्य परंपरा और बारह विकास के शिल्पकार उनका अभिनंदन विश्वविद्यालय। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मंच पर आने आदरणीय श्री विजय विक्रम सिंह जी से। सभी सदस्यगण लगा श्री वेद प्रकाश निषाद जी भी माननीय सदस्य सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार और पहले से विजय समय ने आपसे कहा इस सेमिनार संगोष्ठी को आदरणीय डॉक्टर के वी राजू जी जब हम एक विशेष भाव से यह आयोजन कर रहे हैं और भी विकास हो रहा है और भारत सरकार भी विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा आबादी के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर समूहों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों का भी साझा करना चाहूंगा। पूर्वांचल का सतत विकास मुद्दे रणनीति एवं भावी दिशा से संबंधित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के समारोह में जिनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है निरंतर पिछले 6 वर्षों से देश के अंदर आयुष मिशन को जिन्होंने एक नई दिशा दी है भारत सरकार के आयुष मंत्री माननीय श्री सेवाते सुनायक जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिनके प्रयास से यह संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी विश्वविद्यालय निर्माण आयोग के अध्यक्ष स्टेपी सिंह जी पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी श्री दयाशंकर मिश्र जी सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण प्रमुख सचिव नियोजन समेत कार्य प्रशासनिक सभी अधिकारीगण दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में गोरखपुर में जो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित हैं ऐसे सभी महानुभावगण और जो वेबिनार्स के साथ भी जुड़े हुए हैं इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए आप सबको हृदय से बधाई भी देता हूं। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता किसी भी राष्ट्र की प्रगति को बाधित करने के प्रमुख कारकों में से एक होता है। अपने 4 आर्थिक जोन के आर्थिक जोन पूर्वांचल पश्चिमांचल मध्य और बुंदेलखंड को अगर हम देखेंगे तो यहां पर आर्थिक विषमता कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई देती है और इसीलिए जो विकास बोर्ड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विशेष रूप से गठित किए एक पूर्वांचल विकास बोर्ड और दूसरा बुंदेलखंड विकास बोर्ड मेरा सदैव से इस बात को मानना रहा है कि बुद्ध अचानक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हुए कोई बात तो जरूर रही होगी। हमने बुद्ध का नाम भी लिया खूब जपा खूब माना खूब श्रद्धा का भाव भी रखा लेकिन उनकी प्रेरणा से
कभी प्रेरित नहीं हो पाए। द्वीपोभवा का जो भाव है वह पूर्वांचल के लिए भी और बुंदेलखंड के लिए भी अक्सर से सही बैठता है। उस क्षेत्र के हर एक तबके के व्यक्ति को आगे आकर के वहां के विकास में सहभागी बनना पड़ेगा। और मैं बराबर इस बात को मानता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उभरने के लिए उन लोगों ने अपने मार्ग भी उसी प्रकार से निकाले हैं। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम ही है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल इस देश से बहुत समृद्धशाली है। हम इस बात को मान सकते हैं कि दुनिया की प्रथम मानव की सृष्टि भूमि है पूर्वी उत्तर प्रदेश। महाराज मधु को अपनी राजधानी अयोध्या को वैसे ही उन्होंने नहीं बनाया। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में गिनी जाती है, प्रयागराज दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यानी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम भूमि होने के बावजूद हम अपने को पिछड़े कहते रहे, हम अपने को गरीब कहते रहे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन, मीठा जल। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद का दौरा किया है और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में गया, मुझे कहीं भी जल की कमी नजर नहीं आई और कहीं भी खारा जल नहीं दिखाई दिया। प्रचुर मात्रा में मीठे जल की उपलब्धता, भूमि इतनी उर्वरा, वास्तव में वह मानवीय सभ्यता की भूमि अचानक नहीं बनी। उसके पीछे कारण थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा उसके पीछे का एक प्रमुख कारणों में से था। मानवीय सभ्यता के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कारक थे उनमें से ये चीजें वहां पर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उपलब्ध थी और उसका लाभ सृष्टि की प्रक्रिया ने मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाने की दिशा में इस रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन जहां पर प्रकृति और परमात्मा की ज्यादा कृपा बरसती है वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति बहुत फिर उदार भाव के साथ उस कृपा को ईश्वरीय कृपा मान करके मान लेते हैं कि हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और वहीं पर हम प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाते हैं। कोई भी समुदाय हो, कोई व्यक्ति हो या समुदाय, अगर उसके सामने चुनौती ना हो तो उसकी प्रगति के मार्ग बाधित हो जाते हैं। अगर कोई विरोधी हमारे पक्ष में कुछ हमारे विरोध में कुछ बोलता है तो मान के चलिए कि आप कुछ कर रहे हैं, और अगर आपके पास कार्य करने के अवसर चुनौती के रूप में ना हो तो कहीं ना कहीं अगर स्वतस्फूर्त भाव से कार्य करने की प्रेरणा ना हो तो हमारी प्रगति बाधित हो जाती है। हमें सोचना होगा, पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है। लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा, स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके करना होगा, हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में है। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं,
कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है और विकास खंड में कृषि उत्पादक किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को बढ़ा करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर है, मैंने पहले दिन भी कहा था यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए और संभावनाएं मौजूद है। आप देखेंगे इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और सभाजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की चेन खड़ी करनी पड़ेगी, ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर स्थानीय स्तर पर ट्रेवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती, आज 9 फ्लाइट आ रही है, ये सभी भर्ती भर भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। उसी नगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है, श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अन्य संभावनाएं यहां पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है। हमने हर जनपद में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि वहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी उन संभावनाओं के लिए वहां पर एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। गोरखपुर लिंक वे उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये आजमगढ़ अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जनपद को जोड़ेगा, जहां पर ढेर सारी संभावनाएं विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी जो प्रतिभा है उसका लाभ वहां के क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश को प्राप्त होगा। हमारी जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो ये रही है कि हम सरकार से हमारी संस्थाएं सहयोग तो चाहती हैं लेकिन शासन की नीतियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना पाती है, और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा न भी हो
वो भी हमें इस बात को देखना होगा कि शासन कोई भी घोषणा करता है, कोई भी कार्यक्रम लागू करता है, हमें उन यूथ, हमें या हमारे यूथ को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैंने एक दिन प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया था। मैंने उन नौजवानों से पूछा, मैंने कहा डिग्री लेने के बाद क्या करना चाहते हैं। उसमें से 22 में से 18 ने इस बात को मुझे कहा कि हम स्टार्टअप अपना स्थापित करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। 4 ने कहा कि साहब हमें नौकरी जहां मिलेगी वहां कार्य करेंगे, लेकिन 18 ऐसे थे जिन्होंने कहा स्वयं अपना स्टार्टअप हम का प्रारंभ करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी पूंजी की आवश्यकता है और स्टार्टअप भी किसमें। एक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहा था, कुछ छात्रों ने ड्रेनेज वाटर और सीवर वाटर के क्षेत्र में कार्य करने में इच्छा दिखाई थी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी रुचि को व्यक्त किया था, अलग अलग उसमें। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप जानते हैं। उनमें से एक भी छात्र नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओडीओपी की योजना के बारे में आप जान रहे हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा मेक इन इंडिया योजना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कैसे उम्मीद करते हैं हमारा युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। हमें संकोच नहीं करना होगा। शासन की नीतियों के बारे में हमारे हरेक संस्थान में, वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, जैसे अभी अब तक हम लोगों ने अपने सभी संस्थानों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित करके रखा हुआ था, हम उसे व्यावहारिक ज्ञान तक नहीं जोड़ पाए। क्रियान्वयन का पक्ष हमारा बहुत कमजोर है और आज के इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर डीपी सिंह जी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में पूरे देश के अंदर व्यापक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है भारत शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। और मैं चाहूंगा हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर एक शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान अपने अपने यहां इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके उसके अध्ययन और फिर उसके क्रियान्वयन के पक्ष को लेकर के अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। तो जब आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन के पक्ष की तरफ अपने अपने संस्थानों पर भी केवल सरकार पर निर्भर होकर के नहीं बल्कि अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो साथ योजनाओं के साथ भी जुड़ने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। मैं गरीबी और पिछड़ापन देखने को मिला है, जिन लोगों यानी नौजवानों को और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की बजाय नकारात्मक और नेगेटिव जो एक दिशा देने का लोग प्रयास कर रहे हैं उससे बचना पड़ेगा। कोई भी ऐसे कार्यों को वहां पर समाहित न करने दे और ऐसे लोगों को एक झटके से दूध में मक्खी की तरह बाहर करने का हमें पूरे तैयारी के साथ कार्य करना होगा, जो विकास में बाधक है और जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके पूरी व्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लोगों को एक सिरे से खारिज करने की तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। जब हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे बहुत अच्छे प्रयास होने, अच्छे उसके परिणाम भी आएंगे। हमारे संस्थान, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, तकनीकी संस्थान हो, ये केवल
डिग्री देने तक अपने आप को सीमित न रखें, हमें नए चुनौतियों के रूप अपने आप को डालने की आदत डालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस संगोष्ठी को हम केवल एक नेशनल वेबिनार तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसका व्यवहारिक पक्ष भी आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इस दिशा में सार्थक प्रयास अब प्रारंभ होने चाहिए। एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय का वचन आपने सुना और वो बड़ा क्लियर है कि ये एक सोची समझी प्लान के हिसाब से उन्होंने ये पूर्वांचल के ऊपर सतत विकास के ऊपर ये कराया। लगभग ये जनवरी 2019 में होने वाला था, शायद तैयारी उतनी नहीं हो पाई थी, फिर कोविड-19 का प्रकोप था, तो इस पर कई राउंड ऑफ मीटिंग हुई और उसके बाद ये कराया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 दिवसीय वेबिनार कम सेमिनार जो हाइब्रिड मोड में था, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और बहुत सारे लोग जुड़े। लगभग इसमें 15 मिनिस्टर्स और 16 से 17 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, 13-14 वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशेषज्ञ सब जुड़े रहे। और हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है इसमें करीब 850 लोग ऑनलाइन लगातार जुड़े रहे और 300 लोग फिजिकल रूप में यहाँ पे आए थे। और ये वेबिनार तो राष्ट्रीय था लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया है। पहले दिन लगभग 1000 लोग जुड़े थे इनॉग्रल फंक्शन के दिन, आज और ज़्यादा जुड़े हैं। जो इसके लाइक्स हिट्स हुए हैं वो 25,400 से ऊपर आज सवेरे बढ़ चुके थे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये 23 देशों में देखा गया है। जो जूम का डेटा आया है उससे आजकल पता लग जाता है कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। 23 देशों में और सारे लगभग सभी प्रदेशों में, नॉर्थ ईस्ट से लेके केरला से लेके हर जगह से कोई ना कोई जुड़ा था। तो ये एक प्रयास था कि हर जगह से भी जो एक्सपर्ट जो उभले उनको यहाँ ले आके और एक प्रयास किया जाए हर पहलू में। अलग अलग सेक्टर जो हमने पहले दिन बताया था बांटा गया है, इसकी 5 पेज की प्रोसीडिंग है, वो हम प्रेस में रिलीज कर रहे हैं। जो उसमें करीब 36 बिंदु हैं जो सरकार में जाएंगे, वो भी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी को भी और आप इनको दिया गया है सर। और जैसे आप 5 पेज की बता रहे हैं तो मोटा मोटा क्या निकल के आया इन 3 दिनों के? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। जैसे एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टअप पे बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और उसकी पहल हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर से करने वाले हैं। और उसमें कल भी उसकी एक ग्रुप मीटिंग है, उस ग्रुप मीटिंग में ये पहल होगी कि क्या एक इंक्यूबेशन सेंटर जो स्टार्टअप को बनाता है स्थापित किया जाए। उस पर काफ़ी आगे तक कार्रवाई हो गई है, अब बातचीत चल रही है सरकार से और एक्सपर्ट से बात कर रही है। जो तेलंगाना की जो पूरी पार्टी जो जिसने तेलंगाना में 1000 स्टार्टअप लगाए वो पूरी टीम यहाँ पे है, उससे कल ग्रुप मीटिंग होने वाली है। इसी तरह से और कई पहलू कि कृषि में, FPO में, FPOs को प्रमोशन में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विशेष वो ग्रुप मीटिंग हुई थी जिसमें DG CSIR, DG ICR और DG DBT के साथ साथ करीब
30 डायरेक्टर उसमें जुड़े थे। उसमें ये आ रही अनुशंसा आ रही है, क्या यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बनाया जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का, जो कि साइंस बेस्ड इंक्यूबेशन, साइंस बेस्ड इनोवेशन पे मदद करेगा। तो ये बहुत सारे इसी तरह से, और हर विभाग आगे आ रहा है। जल पे, जो वाटर पे था, जल के विषय में, जल शक्ति के विषय में एक नई पॉलिसी आ रही है, उस पर चर्चा हुई है। अब उसको ये अनुशंसा जाएगी सरकार में, उस पर निकल के आएगा। लगभग आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट अपने ही नहीं, मतलब बैंकर से मीट कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट सारे जीएम रैंक के लोग थे उनसे मिला है, और कहिए क्या हम लोग सरकार और बैंकर्स मिलके 40,000 करोड़ स्पेशल पैकेज पूर्वांचल को दिला पाएंगे। ये सरकार, ये चीज़ें आई हैं चर्चा में, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, तो ये सब हमारी रिकमेंडेशन में जा रहा है। अब हम लोग ने अपना कार्य किया, अब सरकार की बारी है कि इसको कैसे लिया। धन्यवाद।